सो भाई सीजन की हो गई है शुरुआत, और सीजन की शुरुआत होते ही जो है प्रोडक्शन हो चाहे सेल्स हो चाहे और जो भी चीज़ें हो वो थोड़ी सी डिमांड बढ़ जाती है मार्केट के अंदर। अब आप बोलोगे कि कौन सा सीजन भाई, अगरबत्ती का तो साल भर का सीजन जो है रहता है, तो साल भर का सीजन तो रहता ही है, लेकिन जो ऑफ सीजन जो होते हैं जैसे कि हमारा जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, ये 3-4 महीने थोड़ा सा जो है मार्केट अगरबत्ती बिजनेस मार्केट थोड़ा सा स्लो में चले जाता है। उसके बाद जून और जुलाई का जो हमारा महीना है वहाँ से थोड़ा सा प्रोडक्शन के साथ साथ जो चीज़ें हैं फेस्टिवल टाइम हो गया या फिर एक वेदर में भी चेंजेस आ जाता है, तो जो है मार्केट थोड़ा सा रनिंग में चले जाता है, और इसके साथ साथ लोगों के चेहरे पर भी थोड़ा सा मुस्कान आ जाता है कि भाई मार्केट बढ़ने वाला है। और इसी के साथ साथ मार्केट तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो चीज़ें हैं जो मुसीबतें हैं वो भी आनी चालू हो जाती हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट देखा जाता है कि बारिश के टाइम पे प्रोडक्शन जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। मतलब वेदर खराब होने की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से जो है प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो एक जो है एक मुसीबत वाली बात ये हो गई। और वैसे ही जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि कुछ रॉ अगरबत्ती से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, जो कि ये हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, और इसी के साथ साथ काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस का वीडियो तो ऑलरेडी मैं अपलोड कर ही चुका हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग सीजन है तो इसका एक और वीडियो जो है आपके बीच लेके आ रहा हूँ। इसमें से 8 इंचेस और 9 इंचेस दोनों में हम लोग अभी प्रोडक्शन करते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको रॉ अगरबत्ती जो है देखने को मिलेंगी। और इसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, उसके तो काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड हो ही चुके हैं चैनल पर। ब्लैक अगरबत्ती हो, कलर अगरबत्ती हो, या फिर हमारा मशाला अगरबत्ती हो, और जो ड्राई फ्लोराइड स्टिक्स हो गई, बस्कुटों की वीडियो अभी आने वाली है, वैसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के मैं वीडियो अभी रिसेंट टाइम में अपलोड होते जाएंगे। अभी स्टार्टिंग बेस में अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रॉ अगरबत्ती से। रॉ अगरबत्ती की कंप्लीट स्टॉक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी, जिस काउंटिंग में आपको चाहिए, जैसा क्वालिटी चाहिए, आपको सारी चीज़ें जो है अवेलेबल हो जाएंगी। अब कुछ इसके चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली जो चारकोल रॉ अगरबत्ती का सबसे बड़ी जो चीज़ें होती है, मतलब क्वालिटीज़ को लेकर, क्वालिटीज़ के मामले में देखा जाए तो रॉ मटेरियल ही सबसे मेन चीज़ होती है, जिसमें से हमारा चारकोल, सॉडस्ट हो गया और जोस पाउडर, ये 3-4 कैटेगरी की चीज़ें लगती हैं, और एक बैम्बू स्टिक्स जिससे ये रोल आउट होकर एक जो है स्टिक हमारी इस तरीके से तैयार होती है। सो जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं वो आपको क्वालिटीज़ में सही मिलेंगी, और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें जो है यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली जाहिर सी बात ये है कि रॉ मटेरियल्स अगर अच्छा होगा तो रॉ अगरबत्ती भी अच्छा ही बनेगा। तो आपको अच्छी क्वालिटी में रॉ अगरबत्ती मिलेंगी, और इसके साथ साथ इसकी काउंटिंग स्कीम में बात करूं तो अच्छी क्वालिटी हाईएस्ट काउंटिंग के साथ रॉ अगरबत्ती आपको मिल जाएंगी। डीपिंग रेशियो भी एक्यूरेट आपको मिलेगा, 25 से लेकर 30% तक एवरेज। 100% ड्राई स्टिक होगी, 100% बर्निंग कैपेसिटी होगी, और जो भी आप परफ्यूम यूज़ करोगे, चाहे डीपी ऑयल के साथ में परफ्यूम डाइल्यूशन का जो प्रोसेस होता है, तो एक अच्छा क्वालिटी और एक अच्छा बूस्टिंग आपको इस जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग रॉ अगरबत्ती है उसमें आपको देखने को मिलेंगी। सेम कंडीशन आपको 9 इंचेस में भी प्रोसेस देखने को मिलेगा, हालांकि काउंटिंग्स में थोड़ा 9 इंचेस में फर्क आता है, बाकी चीज़ें जो है सामान्य होती हैं। इसके साथ साथ अभी तो फिलहाल मेरा रॉ अगरबत्ती का बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको दे रहा हूँ। आगे वीडियो में आप बिल्कुल चैनल पर आप अपडेटेड रहिए, क्योंकि मशाला अगरबत्ती हो गई और जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, परफ्यूम्स हो गए, डीपी ऑयल हो गई, पैकेजिंग मटेरियल हो गया, ऑयल के जो भी है हमारे पास परफ्यूम्स और डीपी ऑयल, उसमें भी 2-3 कैटेगरी जो है मैं आपके बीच लाने वाला हूं। तो इन 4-5 चीज़ों की कंटिन्यू अभी वीडियोस आने वाली हैं। तो फिर ये हो गई हमारी रॉ अगरबत्ती की कुछ डिटेल्स। अगर आपको रॉ अगरबत्ती से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरीज हैं तो आप हमें डेफिनेटली कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया जो है सर्विस आपको मिल जाएंगी, आप कहीं से भी हो आपको प्रोडक्ट पहुंचा दिया जाएगा। और एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड इन फ्यूचर आने वाले टाइम पे काफ़ी सारी वीडियोस जो है आने वाली हैं।
तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। मिलते हैं आने वाले किसी नए और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।